इनफैक्ट कल ही मेरी बात दिग्विजय से हुई. मेन चीज़ यह है कि मुझे करिश्मा कपूर से अवार्ड मिला. सो मैं भी रातों का राजा हूँ, तो आई एम फाइन विद इट. एक्चुअली माय वाइफ इज फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट. जस्ट सब अच्छा काम कर रहे हैं, हर्ष, शुशाली, कशिश, दिग्विजय, एवरीवन इज डूइंग अ गुड जॉब. नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया और आप देख रहे हैं वज़ीर को. और आज मेरे साथ फिर से मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट, बहुत ज़्यादा तनुज जी हमारे साथ. फिर से कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी उठ के आया हूँ. फील्स वेरी गुड सुबह सुबह टू विन एन अवार्ड. बट उससे भी ज़्यादा खुशी है कि आई एम गेटिंग टू टॉक टू यू. किस चीज़ के लिए आपको अवार्ड मिला? क्योंकि मैंने इनके साथ Z5 के लिए एक शो करी है, मुर्शिद, सो आई गॉट बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर दैट. एंड मेन चीज़ यह है कि मुझे करिश्मा कपूर से अवार्ड मिला, सो आई थिंक दैट्स द ग्रेटेस्ट टेक अवे. मुझे भी आपको मुर्शिद के बारे में बताना था. वन ऑफ माई फ्रेंड जिसने मुर्शिद देखा और उसने मुझे व्हाट्सअप किया कि भाई प्लीज़ ये देखो, बहुत ज़्यादा अच्छा है. मैंने बोला सच में बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब ऐसा मुझे कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, तो मुझे लगा मुझे आपको बताना. थैंक यू. नहीं यार, ऐसे फैंस के लिए जो सी ऑफ कोर्स हम लोग चाहते हैं कि हमारे जितने भी शोज, जितने भी फिल्में आए, आप सब देखें, बिकॉज आफ्टर ऑल वी आर मेकिंग इट फॉर द ऑडियंस. आप खुद के लिए थोड़ी ना बना रहे. सो ऑब्वियसली जब भी लोग कॉम्प्लीमेंट देते हैं एंड अवार्ड्स जीते हैं, सो यू फील वेरी वेरी गुड. सो मेक्स मी वॉन्ट टू वर्क हार्ड यार. अभी आगे कई सारे अच्छे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो जब एक दिलासा मिलता है, एक कॉन्फिडेंस मिल जाती है, बूस्ट मिल जाती है. yes, जब ऐसे फैंस भी मिलते हैं. हाल फिलहाल में आप डैड बने हैं. yeah. नींद पूरी हो रही है? नहीं, नेमिंग तो 40 डेज के बाद हम करेंगे. नींद कहाँ मैंने, नींद पूरी. नींद लोगों ने काफ़ी ओवर हाइप किया है कि आप बिल्कुल नहीं सो पाओगे. इट्स नॉट सो बैड टू बी ऑनेस्ट. वो अच्छी बच्ची है एंड या वो कभी कभार 2:30 बजे तो जग जाती है रात को. बट मैं भी रातों का राजा हूँ, तो आई एम फाइन विद इट. एक्चुअली माय वाइफ इज फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट. कैसी फीलिंग है? बीवी करती है ना, मुझे बस लेट नहीं होता. मैं क्या करता हूँ? लेकिन फीलिंग कैसी होती है, क्योंकि जब आप बनने वाले होते हो आप बन गए. द मोस्ट अमेजिंग फीलिंग इन द वर्ल्ड यार. मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता ऑनेस्टली इन वर्ड्स. जब से मैं ऑपरेशन थिएटर में था और उसके बाद बच्ची घर आई एंड एवरीथिंग इज जस्ट बीन अमेजिंग. लाइफ चेंजिंग. नेम्स की आपने बात की, तो कुछ सोचा? हाँ, नेम्स तो हम लोग ने पहले ही सोच रखा था, यू नो, लाइक इट्स अ बॉय ये, इट्स अ गर्ल दिस. बट अभी हम लोग रिवील करेंगे कुछ दिनों में. अच्छा, स्प्लिट्स मिला के जो कंटेस्टेंट थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं. यस. एक्चुअली इनफैक्ट कल ही मेरी बात दिग्विजय से हुई. मैं फैशन वीक पे आई वाज एट द रैंप, यू नो, फॉर बॉम्बे टाइम्स एंड ही वाज इन द ऑडियंस. और मैं शुभी से भी मिला बैक स्टेज. सो विशिंग देम ऑल द बेस्ट यार. सब अच्छा काम कर रहे हैं, हर्ष, शुशाली, कशिश, दिग्विजय, एवरीवन इज डूइंग अ गुड जॉब. सही बात है, क्योंकि जब आप बोल रहे हैं तो मतलब नहीं, बट उन बच्चों में पोटेंशियल भी है ना, यू नो, लाइक आई मीन दैट्स द रीजन व्हाई दे आर डूइंग वेल. सो आई विश देम ऑल द बेस्ट. लास्टली अपने फैंस को क्या कहेंगे? मुझे बुलाते रहो, मुझे अवार्ड्स देते रहो, बट कभी कभी शाम को भी बुलाया करो यार. सुबह सुबह जमता नहीं है यार. थैंक यू सो मच.